कौन सी चोटी है, क्या है, क्या मुझे ये राधा पशु ब्यूट के ऑन से यही नजर आई है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है अताबाद लेक। मैं इसमें कुछ 4 साल पहले आया था, उस ज़माने में सिर्फ ये, मैं हफ्ता आपको दिखाता हूँ, सिर्फ यही था। लेकिन अभी बहुत कंस्ट्रक्शन हो गई है उस तरफ भी और इस साइड पे भी। इस वक्त तो मगरब के करीब करीब शाम होने वाली है, सूरज ग़ुरूब होने वाला है। लेकिन आप इस झील पे जिस वक्त भी आएँ, इसके आपको डिफरेंट कलर्स जो है वो नज़र आएंगे। लास्ट टाइम जब मैं आया था बहुत प्योर ब्लू था, ग्रीन भी था कहीं पे। अभी पानी की सतह जो है इसमें काफ़ी कम हो गई है। उस तरफ आप देखें, आपको काफ़ी जगह खुश्क नज़र आएगी। 4 साल पहले इसी मौसम में, बल्कि 1 या 2 दिन का फ़र्क था, मैं 21 नवंबर 2019 को आया था, आज 22 नवंबर 2023 है। 4 साल में वो जगह सारी खुश्क हो गई है, पानी की सतह यहाँ से कम हो गई। और इस तरफ भी आपको नज़र आएगा कि ये खुश्क हिस्सा जो है ये पहले नहीं था, अब ये सारा कुछ जो है वो हो गया। पानी की सतह जो है यहाँ इस झील में अब कम होती जा रही है। लेकिन जब फ्लड्स आते हैं, गर्मियों का मौसम होता है, जब बरसात होती है और पानी जब दरिया में आता है, तो फिर इसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। देखें, इसमें बोटिंग करते हैं लोग, नीचे स्टे का भी है। इस तरफ बहुत शानदार बने हैं ये हट्स, आप देखें, मुकम्मल एक ऑलमोस्ट 5-स्टार होटल है, जिसके इश्तारात भी आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे। बहुत खूबसूरत जगह है और बिल्कुल पानी के करीब बनाई गई है। और उस तरफ भी नीचे जो है मौजूद हैं, आप आ सकते हैं किसी भी मौसम में। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ अताबाद आने के लिए भी आपके पास मैक्सिमम मज़ीद 1 महीना, शायद उससे भी कम वक्त होगा, उसके बाद ये भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ये आगे चाइना बॉर्डर की तरफ जाता है, सुस्त बॉर्डर जो है चलाता है, और उस तरफ बर्फ़बारी हो चुकी है। पाकिस्तान का जो साइड है उससे तिजारत जो है वो बंद हो चुकी है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने अक्टूबर के महीने में चीन का दौरा किया था, और उस दौरे में चीन के साथ ये मुआहदा हुआ था कि चूँकि साल में 4 महीने ये बंद रहता है, जो हमारा बॉर्डर है चाइना के साथ, और तिजारत रुक जाती है, और उन्होंने ये मुआहदा किया था कि अब इसको कोशिश करके हम इसको सारा साल यहाँ से तिजारत करेंगे। तो ये रोड आगे जाता है। इब्तदा में ही ये हुआ है कि इस साल जो है, जब ये बॉर्डर पूरा खुलना था 4 महीने, बॉर्डर बंद हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ से उन्होंने खोला है बॉर्डर, बर्फ़ वगैरह साफ़ की है। पाकिस्तान से की साइड से बर्फ़ हटाने के लिए मशीनरी नहीं पहुँचाई गई, लिहाजा सड़क बंद हो गई, और जो ट्रक थे जो वहाँ से आ चुके थे चीन से, वो फंस गए। ताजरों का माल सारा फंस गया, कंटेनर आ नहीं सके। पाकिस्तान इसी तरह है, मेरा आपका मुल्क है, लेकिन हम इंटरनेशनल माहदों की पासदारी नहीं करते। हम चीन के साथ हमने वायदा किया और उसकी हमने खिलाफवर्जी की। इससे ये तासर भी उभर रहा है कि चीन जो है वो नाराज़ हुआ है सी पैक पे, और चीन ने फिर बाकायदा ऐलान किया कि हम 4 महीने इस बॉर्डर को बंद रखेंगे, तिजारत नहीं होगी। बहरहाल, ये तो एक कुदरत का एक मौजा है, ये झील बनी है खुद से। लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था कि जब आप इस रोड पे आगे जाते हैं तो सुस्त बॉर्डर आता है, और घंटे 2 घंटे की ड्राइव है, लेकिन अब वो सारा बंद हो चुका है। ये जिसे हट्स पे हम खड़े हैं, ये साहब भी ताले लगा के जा चुके हैं, क्योंकि ऑफ सीज़न है, इतना ज़्यादा लोग टूरिस्ट यहाँ आते नहीं हैं, लिहाजा इसने बंद करके चला गया। अच्छा जी, ये मैं आपको हट्स दिखाना चाह रहा हूँ अताबाद लेक के करीब। ये बड़े सिंपल से और बड़े ज़बरदस्त से ये बनाए हैं झील के किनारे। आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये बंद हो गए, इसके ओनर से हमारी अभी बात हो रही थी, क्लोजिंग हो गई है इसकी। ये आप इसको देखें, यहाँ से आपको नज़र आएगा, बड़ा खूबसूरत सा ही बना हुआ है, डबल बेड लगा हुआ है इसमें, और क्या नज़ारा होता होगा जब रात को आप यहाँ बैठते होंगे। नीचे जो वो झील है, बोटिंग की सहूलत है। ये काफ़ी 5-6 हट्स इसने यहाँ बनाए हैं। इसी तरह उस तरफ भी बने हुए, बहुत शानदार सी जगह है। इसने बड़ा इसको ग्रीन बनाने की कोशिश की है, आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इसने बनाया, एक माहौल क्रिएट किया।
इंटरेस्टिंग है, इस तरफ भी है, इसका रास्ता शायद यहाँ से है, मैं दिखाता हूँ। ये भी एक कपल जो है इसके अंदर रह सकता है, लेकिन अगर बच्चे हैं साथ को आपको एक और लेना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़े का है। अब ये मार्च अप्रैल में दोबारा जो है वो खुलेगा, यहाँ बर्फ़ होती है, बर्फबारी होती है। अभी नवंबर है, अब इसके बाद दिसंबर में या एंड दिसंबर पे बर्फबारी शुरू हो जाएगी, सर्दी नाकाबले बर्दाश्त हो जाएगी। इस वक्त भी काफ़ी ठंड है, ठीक ठाक जो है वो ठंडी हवा जो है वो चल रही है। ये सारे लोग यहाँ से पैकअप करके चले जाते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर सब कुछ इसी तरह छोड़ देते हैं, फिर जब मार्च अप्रैल में वापस आते हैं फिर ये सारा सफाई करके उसको बनाते हैं। अभी देखें इसको अंदर से, उसी तरह एक थोड़ा सा डिफरेंट है, डबल बेड लगा हुआ है, छोटी सी अलमारी भी है इसके अंदर, और उस तरफ इसके वॉशरूम्स बने हुए। तो नेक्स्ट ईयर आप 2024 में जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होंगे, इंशाल्लाह हमारी कोई नई गवर्नमेंट आ चुकी होगी, हालात अल्लाह से उम्मीद है कि बेहतर हो चुके होंगे, और उसके बाद जो सीज़न शुरू होगा टूरिज़्म का बहुत अच्छा होगा। हम भी आपके लिए टूर्स मैनेज करेंगे और आपको बताएंगे हमारे पैकेजेस क्या हैं, ये भी बताएंगे आप कैसे कितने पैकेज में यहाँ ठहर सकते हैं। पीछे हम टनल्स में से गुजर के हैं, बड़ी शानदार टनल्स हैं, बहुत बड़ी टनल्स हैं, पाकिस्तान की सबसे तवील तरीन टनल है, एक मौजज़ा है, देखें कैसा मिराकल है, कैसे बनाया है चाइनीज़ की मदद से। इस तरफ पहाड़ों पे अभी पीछे की तरह बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी, सूरज आलमोस्ट ग़रूब होने वाला है। नीचे बोट्स भी इसी तरह ये छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इन बोट्स को कहीं लेके जाना और फिर वापस लेके आना, उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा ये विंटर में इसी तरह छोड़ के चले जाते, फिर नया सीज़न आता है तो उसमें दोबारा बोटिंग।